तो दोस्तों देख सकते हैं ये अभी सुबह का नज़ारा है और सुबह ही हम आए हुए हैं, तो देख रहे हैं कि कोई गेट हमारा तोड़ दिया है। देखिए कैसा अवस्था कर दिया दोस्तों, देख के ही हमको बहुत ख़राब लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग कितना मेहनत करके घर बना रहे हैं, पहले व्यक्ति जो गलत मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, ना हमने आपका कोई क्षति किया है, तो फिर आप। तो दोस्तों हम लोग दुकान आ गए हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये दोस्त का दुकान है निधि जनरल स्टोर। तो आज झाड़ू खरीदते हैं, है ना। तो देख सकते हैं दोस्तों दोनों चॉकलेट ले लिया है, डेयरी मिल्क और साथ में ये झाड़ू। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप सब हमारे पीछे देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो चलिए आप सबको दिखाते हैं। ये देखिए बंदर, सुबह ही आया हुआ था, बंद था ना चावल वावल वही सब खा रहा है, बकरी उकरी के लिए देख रखे थे शायद। देखिए हाँ देखिए चावल ही है। छोटे बाबू बंदर कैसे लग रहा है? पत्थर नहीं बेटा, पत्थर खाने दो, से छोटा बाबू मारने के लिए। और देखिए कैसे खा रहा है, देखिए बिल्कुल ही इंसान जैसा खा रहा है, हाथ से खा रहा है। कैसे खा रहा है छोटा बाबू? पूछ भी है, बड़ा पूछ है। देखिए दोस्तों कैसे देख रहा है, सच में खा रहा है। आए देखिए कैसे कर रहा है, हट। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अभी सुबह का नज़ारा है और सुबह ही हम आए हुए हैं, तो देख रहे हैं कि कोई गेट हमारा तोड़ दिया है। देखिए कैसा अवस्था कर दिया दोस्तों, देख के ही हमको बहुत ख़राब लग रहा है, और कोई ज़बरदस्ती इसको खोल दिया है या तो जानबूझ के ऐसा कर दिया है। देखिए कैसे कर दिया दोस्तों, देखिए बिल्कुल। तो दोस्तों अभी अभी हम लोग आए ना, तो आके एक चीज़ देखे तो बहुत ख़राब लगा, है ना, बहुत ख़राब लगा दोस्तों। और आप लोग वीडियो में देखिए कि इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मेहनत और बहुत मतलब दिनों से एक सपना सजाए थे, और वो सपना हमारा पूरा ही होने वाला है, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को हमारा ये सपना से जलन हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत मेहनत से देख रहे हैं, देखिए दोस्तों ये घर बना रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत से घर बना रहे हैं। हाँ ये न जाने कितने दिनों का ये सपना है, तब जाके ये घर बना पा रहे हैं। हाँ हाँ खोल दिया था, हम लोग दो दिन इसलिए खोले नहीं थे दोस्तों, एक दिन काम भी बंद था, आप सबको पता ही है। और देखिए ये हमारा घर काम भी बंद था, लेकिन कोई खोल दिया, ज़बरदस्ती खोल दिया, जिसके चलते एक साइड टूट गया है, और टूट गया है तो चलिए आप सबको दिखाते हैं कि कैसे टूटा है, क्या हुआ है, है ना। तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो ये गेट हमने इतनी मुश्किलों से लगाया था, और बहुत खुश थे हम लोग कि इतना बड़ा गेट लगा है हमारा, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं किसी ने इसे तोड़ दिया है, पता नहीं कैसे, बहुत ज़ोर से शायद धक्का मार के इसको खोलने का कोशिश किया होगा, खुला नहीं होगा तो थोड़ा ताकत लगा दिया होगा, इसी वजह से ऐसा हो गया है। आज धनतेरस के दिन हम लोग सोचे थे कि कुछ हम लोग जाएंगे ख़रीदने के लिए, ऐसे तो कुछ छोटा मोटा सामान ही लेने जाएंगे, लेकिन सोच रहे थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि आज धनतेरस है, पर अचानक ऐसा हो गया कि आज हम लोग को धनतेरस के दिन ही रोना पड़ रहा है। आज हम लोग धनतेरस के दिन ही रो रहे हैं दोस्तों, बहुत दुखी हैं हम लोग, पता नहीं हम लोग किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं जो हम लोग के साथ ऐसा कर रहे हैं, हम लोग पता नहीं हम लोग के साथ कब सब कुछ सही होगा, कब हमारा सपना काशाना बनेगा, कब हम उन लोगों को अच्छे से जवाब दे पाएंगे जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते उनके बिना। तो बस दोस्तों आप लोग का साथ चाहिए, अगर आप लोग का साथ रहा तो हम लोग बहुत जल्दी अपने सपने कैशाना को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों छोटा बाबू आया है यहाँ, और आते ही इसका बदमाशी शुरू हो गया, जिसको हम लोग बालू में नहीं जाने दिए इसीलिए आज ये यहाँ पे घुस गया। और जैसे कि हमारा यहाँ जुड़ाई का काम हो रहा है, और थोड़ा सामान वगैरह ईंटा ख़त्म हो गया था इसी वजह से भी थोड़ा लेट हुआ, और अभी फिर से जुड़ाई हो रही है। हाँ और आरव के पापा मिस्त्री को ईंटा दे रहे हैं, क्योंकि आज लेबर भी मतलब नहीं है, कम है, और मिस्त्री हैं, और बस एक आदमी आया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पापा हैं ना इसीलिए। तो जैसे कि आज हम फिर से आए, अभी बस थोड़ी देर पहले आए हम, और यहाँ पे तो काम चल ही रहा था। और रुक जा बेटा, ऐसे नहीं निकाल पाओगे,
ऐसे खींचोगे ना बेटा तो उसको हाथ में चोट लग जाएगा। हाँ हाँ भाई भाई का बदमाशी नहीं हो पा रहा है। नहीं चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं हम लोग। कैसे निकाले? देखिए दोस्तों आ जब आराम से नहीं नहीं तो इसको हम लोग निकाले बाहर। और अब ये पानी देखा ना तो अब ये पानी ही छूने के लिए परेशान रहेगा। और आरफ के पापा ईटा सब में पानी दे रहे हैं क्योंकि आज ही ये उतरा ना, इसको आज ही उतारे ना, तो हमारा ईटा भी ख़त्म हो गया था तो आज ईटा उतारे तो इसको थोड़ा भिंगाना पड़ता है। हाँ वाह धनतेरस के दिन आज हमको छोटे बाबू ने पैसा दिया। तो ये देखिए दोस्तों पानी भरने के लिए दोनों भाई में हो रहा है झगड़ा। ओहो और आरफ छुट्टी हो गई ना स्कूल में, छोड़ दो उसको छोड़। हम लोग ब्लॉगिंग करते लो आरफ ब्लॉगिंग करो। दोस्तों देखिए बुक पानी भरने के लिए जीत कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, सब जगह पानी दे रही है। देखिए उधर देखिए आपको दिखाता है। देखिए क्या कर रहा है, कितना भींगा दिया। देखिए ऊपर में भी भींगा दिया है। देखिए दोस्त पापा आ रहे हैं। आज हम लोग का गेट टूट गया है, कोई तोड़ दिया गेट हम लोग का। और मम्मा देखिए मम्मा खड़ी है स्टाइल से। देखिए दोस्तों बगु पानी फेंक रहा है। तो दोस्तों सुबह से शाम हो गई और जैसे कि आज हम लोग के लिए कुछ दिन खास नहीं रहा, आज तो ऐसे धनतेरस है। शायद आप लोग भी धनतेरस में ख़रीदारी कर रहे हैं और हमें भी करना है, लेकिन थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि हमारा दरवाज़ा जो है बाहर का वो कोई तोड़ दिया है। और खैर कुछ लोग ऐसे करते हैं जिनकी मानसिकता से साफ पता चलता है कि वो कितना हमारे से जलनशील है ना, कितना जलते हैं, इससे साफ पता चलता है कि कितना जलते हैं। इतना जलनशील नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग भी मेहनत करके घर बना रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। व्यक्ति जो गलत मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है ना, हमने आपका कोई क्षति किया है तो फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा अब सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ रहते कम हैं। हाँ बेटा हाँ बेटा मंकी आया मंकी। यहाँ हम लोग रहते कम हैं दोस्तों, अब हम लोग को यहीं पर रहना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है आगे जाके ये लोग हम लोग का एडवेस्टर का घर बनाएंगे तो हो सकता है एडवेस्टर भी तोड़ दे, है ना, इसलिए रहना पड़ेगा। मतलब सोच नहीं पा, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कौन कर दिया और ऐसे क्यों किया, हम लोग क्या किए हैं। हाँ, हम लोग तो कोई गलती ही नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग को डायरेक्ट आके बोलिए, ऐसे इसलिए आज हम लोग करके क्या फायदा है। हाँ इसलिए दोस्तों आज हम लोग इंस्टाग्राम में रील्स भी नहीं बना पाए, है ना, थोड़ा मूड भी ऑफ है, एकदम काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों छोटा बाबू भी आ गया है क्योंकि इसको भी जाना है मार्केट। हम और आरव ऑलरेडी है ना। दोस्तों मेरा खांसी हो चुका है क्योंकि तुम मामा का बात नहीं सुन रहे, ठंडा पानी पी। तो चलिए दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मार्केट, आज धनतेरस का दिन है तो जल्दी मार्केट जा रहे हैं और मार्केट से खरीद के आ रहे हैं, है ना, चलते हैं। चलो बाय बाय करते छोटा बाबू, बाय बाय। तो दोस्तों हम लोग दुकान आ गए हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है कि ये दोस्त का दुकान है निधि जनरल स्टोर। तो आज झाड़ू खरीदते हैं, है ना, तो चलिए। हाँ हाँ लो जय देवे को झाड़ू दे, तो भालो देखे ना देवी लंबा झाड़ू दीजिए छोटो आज एक नहीं जो टूना है जरे बाप झाड़ू भालो देखे ना दे। ठीक है जी और कुछ लेगा? हाँ चलो 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 कौन सी देखिए कैसे आ रहा है पर छोटा बाबू ऐसे ही करता है जब भी दुकान आता है ना दोस्तों। अरे तोड़ दो तोड़ दो। क्या लेगा बेटा ठंडा में? हम कुछ ऐसे खरीद के नहीं देंगे। चॉकलेट चॉकलेट लो ये वाला लो चॉकलेट हमको दे। तो देख सकते हैं दोस्तों दोनों चॉकलेट ले लिया है। डेयरी मिल्क फ्रूटी ले रहा था लेकिन बहुत भुला फुसला के फ्रूटी छोड़ दिए क्योंकि ठंडा लग जाएगा, ठीक ना। और दूध ले लिए हैं और धनिया भी ले लिए हैं, धनिया और साथ में ये झाड़ू।
पीछे हो जा बेटा, चलो चलो। ये छोटा बाबू, देखिए दोस्तों छोटा बाबू जाने नहीं खोज रहा। चलो हम बैठे हैं, पीछे बैठना दूध ले। तो ले चुके हैं हम लोग सारा चीज़, हम और छोटा बाबू और साथ में आरव है ना। तो चलते हैं दोस्तों घर। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सूरज है और ये अस्त समय है, इसलिए ऐसे दिख रहा है, बिल्कुल ही छोटा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जूम करके आप सबको दिखा रहे हैं, देखिए ये सूरज है और कैसा दिख रहा है देखिए। जब इसका जूम हटा देते हैं तो देखिए ये सूरज। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि झाड़ू भी हम लोग खरीद लिए और वगैरह वगैरह सारा सामान दिखाए आपको, धनिया भी खरीदे है ना। तो आज धनिया भी खरीदना चाहिए, झाड़ू भी खरीदना चाहिए, आप लोग भी खरीदे होंगे और नहीं खरीदे हैं तो कल भी खरीद लीजिएगा, क्योंकि अभी मुहूर्त जो है आज 5 बजे से स्टार्ट हुआ है और कल तक रहेगा है ना। कल हम लोग मार्केट जाएंगे और कुछ वहाँ भी खरीदने का कोशिश करेंगे। आज ही हम लोग को जाना था लेकिन आज एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। पर चैनल को कमेंट, अभी एक्चुअली पैसा नहीं है इसलिए हम लोग नहीं खरीदे, बस ऐसे ही पार किए। माता जी बोले थे झाड़ू खरीद लीजिएगा, और एक भैया बोले थे धनिया खरीद लीजिएगा। हाँ मंकी आ गया, ये चारों तरफ मंकी है। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो अब हम लोग यहीं तक रखते हैं ना। मेरा आरव का बात को जरूर सुनिएगा दोस्तों। सो आप लोग भी खुश रहिए, त्यौहार भी एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और बहुत सारा अपने परिवार से प्यार मोहब्बत कीजिए है ना। और हमें भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अरे बंदर पार हो गया दोस्तों, बहुत सारा बंदर है, चारों तरफ बंदर है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।